फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे संदीप महेश्वरी सर के बारे में। संदीप सर बताते हैं कि बचपन में वो बहुत शैतान रहे हैं, लेकिन बचपन में उनके ज़्यादा दोस्त तो थे नहीं, तो वो अकेले अकेले ज़्यादा रहते थे। और 10th क्लास तक तो लड़ाई झगड़े करने में संदीप सर एक नंबर पर रहे हैं। शुरुआती दिनों में संदीप सर बहुत ही नेगेटिव थे, उनको पॉजिटिव बातें भी नेगेटिव नज़र आती थी। लेकिन 12th क्लास में संदीप सर के साथ कुछ अजीब हुआ। उनके मन ने उनको पढ़ाई करने के लिए बोला और उनकी मेहनत का ही नतीजा था कि 12th क्लास में उन्होंने 85% मार्क्स हासिल किए। इस समय पर संदीप सर की फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ख़राब थी, तो उसी समय उनके दिमाग में आ गया था कि मुझे पैसे कमाने के साथ साथ कुछ न कुछ बड़ा करना है लाइफ में। संदीप सर को फोटोग्राफी का बहुत शौक था। संदीप सर फोटोग्राफी करके 25 से 30 हज़ार महीना उस समय कमा लेते थे। इसके बाद इन्होंने एक मार्केटिंग कंपनी में काम किया, जहाँ पर इन्होंने एक अच्छी खासी ग्रोथ हासिल कर ली। वहाँ से ये 1 लाख रुपये से 1.25 लाख रुपये पर मंथ कमा रहे थे। लेकिन संदीप सर ने वहाँ से रिज़ाइन यह सोचकर दे दिया कि मुझे खुद की एक कंपनी खोलनी है। इस फैसले से उनके घर वाले बहुत नाराज भी हुए थे। इसके बाद संदीप सर ने ऐसा ही किया, उन्होंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी खोली ही दी। यह मार्केटिंग कंपनी उन्होंने 3 लोगों के साथ पार्टनरशिप में खोली थी। सेल वाइज तो वो कंपनी सक्सेसफुल हुई थी, लेकिन जब वो कंपनी बंद हुई तो संदीप सर के पास एक पैसा भी नहीं आया और जो लगाया था वो पैसा भी चला गया। इसके बाद संदीप सर ने नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर एक बुक लिखी, जो भी नहीं चली और वो फ्लॉप हो गई थी। इतनी सारी असफलताओं को देखने के बाद संदीप सर ने फिर से फोटोग्राफी का काम करने का डिसीजन लिया। उन्होंने अपने रूम में ही फोटोग्राफी का सारा सेटअप किया और वो 30 से 40 हज़ार रुपये महीना वापस कमाने लग गए। और इसके बाद संदीप सर ने फोटोग्राफी के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया और आज इमेज बाज़ार में भारत की 1 करोड़ से भी ज़्यादा फ़ोटो हैं। उनका ऐसा मानना था कि फ़ोटोग्राफी में सिर्फ काम ही नहीं बिकता, वहाँ नाम भी बिकता है, और उन्होंने अपना नाम भी कमाया। इतनी अपार सफलता पाने के बाद भी संदीप सर रुके नहीं और उन्होंने अपने जीवन के अनुभव से युवाओं को प्रोत्साहित करने का मिशन शुरू कर दिया। आज वे जगत में मोटिवेशनल सेमिनार और भाषण देते हैं। संदीप सर अपने यूट्यूब चैनल के जरिए सेमिनारों की वीडियोज़ इंटरनेट पर सभी को शेयर करते हैं। हैरान की बात तो यह है कि वे सेमिनार मुफ्त करते हैं और एक पैसा भी नहीं लेते। उनका एकमात्र मकसद लोगों की भलाई करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी और वीडियो आप तक आसानी से पहुंचाई जा सके। जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।